हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो विस्डम अपलो। सो गाइस, अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको लो फील्ड में आपको करियर बनाना है, आप गवर्नमेंट लॉयर बनना चाहते हैं, जज बनना चाहते हैं, ठीक ना, लीगल एडवाइजर बनना चाहते हैं या मिनिस्टर बनना चाहते हैं ऐसा, ओके, तो आपको गाइस इन अपने सपनों को साकार करने के लिए ऐसे लो कॉलेज में आपको एडमिशन लेना पड़ता है, और एडमिशन लेकर के ज्ञान प्राप्त करके आप अपने सपनों को आप पा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि आप वैसे कॉलेजेस में एडमिशन कैसे लेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ कि कोई भी लो कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको नामांकन कराने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, ओके ना। तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि वो ऐसा कौन कौन से टॉप इंडिया में एंट्रेंस एग्जाम है जिसके माध्यम से हम लो कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, टॉप लो कॉलेज में। गाइस, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं ये बताया हूँ कि टॉप लो कॉलेजेस के बारे में बताया हूँ। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, और साथ ही आप हमारे वीडियो के अंत में भी आपको लिंक मिल जाएगा एंड स्क्रीन पर, ओके ना। तो चलिए, आज इस वीडियो में हम जानते हैं कि टॉप लो एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। अगर एंट्रेंस एग्जाम के बारे में नहीं जानोगे आप तो आप एडमिशन नहीं ले सकते हो। एंट्रेंस एग्जाम में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये एग्जाम ही होता है जो आपको लो कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए क्या करता है, मदद करता है। देखिए, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एंट्री लो कॉलेज में लो कोर्स करने के लिए क्या होता है, उनको कोर्स करना पड़ता है। कौन सा कोर्स करना पड़ता है, उनको LLB का कोर्स करना पड़ता है, ठीक ना, उसको BLLB, BBLLB, BCOM एंड BSc, LLB, LLM, ये सारी कोर्स करने आपको पड़ता है। लेकिन ये सारे जो कोर्स है करने के लिए आपको लो कॉलेज एडमिशन लेना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको मेरा रिक्वेस्ट इतना ही है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब बस कर दीजिएगा। तो चलिए, टॉप लो एंट्रेंस एग्जाम के बारे में जानते हैं, ओके ना, जो पॉपुलर है, जो बहुत सारे बच्चे नहीं जानते, आज इस वीडियो में जान जाइएगा। तो चलिए, ये यहाँ पे देखिए, सबसे मोस्ट पॉपुलर जो है एग्जाम जो है इंडिया में जो है वो है क्लैट, कॉमन क्लैट है, ठीक ना। क्लैट जो है यहाँ देखिए, ठीक है, ये क्लैट, ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, कॉमन लो एडमिशन टेस्ट, ये जो एग्जाम है गाइस इंडिया में सबसे टॉप नंबर में है। अगर आपको लो कॉलेज NLU में एडमिशन लेना है, नेशनल लो यूनिवर्सिटी में, तो ये एग्जाम सबसे टॉप लिस्ट में आता है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो, इसका एग्जाम देने के लिए आपको इसके एग्जाम सिलेबस के बारे में, पैटर्न के बारे में, एग्जाम कब होता है, कैसे होता है, कैसे प्रिपरेशन होता है, ठीक ना, कैसे उसका एग्जाम देना है, उसके बाद काउंसलिंग कैसे होता है, तो बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं गाइस जो आपको जानना जरूरी है। तो ये सारे वीडियोस जो आपको इसी आगे वीडियो में मिलेगा है, हम बनाएंगे ही, साथ ही इस वेबसाइट में कैसे प्रिपरेशन करना है, सिलेबस, हर चीज यहाँ इस पे है। दूसरा नंबर में आता है क्लैट, ठीक ना, क्लैट जो आता है ऑल इंडिया लो एंट्रेंस टेस्ट, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक ना। तो ये जो एंट्रेंस एग्जाम जो है, जैसे कि मैंने एक वेबसाइट ढूंढा हुआ, खोला हुआ हूँ, तो इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा लिंक, आप चेक भी खुद से कर सकते हैं ऐसा, ओके। जिसका इस वेबसाइट का नाम जो है कॉलेज देखो, ठीक ना, कॉलेज देखो में पूरा अच्छे से डिटेल में बताया गया, एप्लीकेशन फॉर्म, इंड कवर, एडमिट कार्ड, एग्जामिनेशन डेट, मोड ऑफ एग्जाम, ऑफलाइन या ऑनलाइन, रिजल्ट कब आया ऐसा, ठीक है। तो दूसरा नंबर में जो है एग्जाम हमारा जो है वो क्या है, ये देखिए, अलर्ट ऑल इंडिया और इंडिया लेवल एंट्रेंस टेस्ट, ये एग्जाम आपको देना पड़ता है, ओके ना। फिर LSAT लो स्कूल एडमिशन टेस्ट, ये एग्जाम देना पड़ता है उसको, MSCET लो, ये आपको देना पड़ेगा, एंट्रेंस एग्जाम का नाम है ये सब, ठीक ना, CULEE, ठीक है, कृष्ण यूनिवर्सिटी लो एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। फिर UPES, ठीक ना, लो स्टडी एप्टीट्यूड लो टेस्ट, ठीक ना, तो ये जो है जो आपको देना पड़ेगा लो, फिर AP लो सीट एंड AP पिक्सेल, ओके ना। तो ये जो है यहाँ पे, उसके बाद लो TS सीट, लो सीट, तो ये जो है आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, ये टॉप में आता है। बहुत सारे जैसे BHU हो गया, इंटरनल भी हो गया, तो ये आपका टेबल है, आप खुद भी चेक कर सकते हो, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक ना, कितने कितने कौन कौन सा कोर्स होता है। तो चलिए, इसके बाद हम आगे आपको बताते हैं कि अब जिसका एप्लीकेशन फॉर्म भी आता है, तो देखिए इन सारे एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म देना पड़ता है। तो देखिए, यहाँ पर मैं खोल लिया हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म जो
पॉपुलर फॉर लो इंट्रेंस एग्जाम, तो इसका देखिए क्लैट का एप्लीकेशन फॉर्म कब है, इसका लिंक जैसे क्लिक करोगे आपको एक लिंक क्लिक में पर पता चल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हम क्लिक करते हैं यहाँ पर कि लुक क्लैट एग्जाम जो है कब होने वाला है, तो जैसे हम लोग क्लिक करते हैं वो तो क्या करता है ये इसका लिंक खुल गया। देखिए आपको बता देगा कि आपका जो डेट है ऐसा ठीक ना, ये क्लैट का डेट कब है। देखिए जो अभी 2023 का जो होने वाला है जो इंट्रेंस एग्जाम, वो 8 अगस्त को क्या हो चुका है, रिलीज हो चुका है। इसका लास्ट डेट जो एप्लीकेशन फॉर्म जो है इसका सबमिट जो है लास्ट डेट जो क्या है ये 30 नवंबर को है ऐसा, ओके ना। उसका एग्जाम जो है एग्जाम डेट 18 दिसंबर 18 को है। तो अभी तक जो बच्चे नहीं दिए हैं ठीक है, और अभी देख रहे हैं वीडियो को, तो आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं, ओके ना। तो इसी तरह से अगर आप अलर्ट का देखना चाहते हैं अप्लीकेशन, तो इसका अप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, तो इसका अप्लीकेशन फॉर्म जो ऐसे आपको चेक करना है, तो इसका अप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन जो स्टार्ट हो चुका है 7 तारीख से 2022 को, और इसका एग्जाम डेट जो है इसका ठीक, और लास्ट डेट सबमिशन है वो 15 नवंबर को। तो अभी 15 नवंबर नहीं आया है, तो आप लोग अभी भी फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद एग्जाम जो होगा इसका 11 दिसंबर को इसका एग्जाम होगा, ओके ना। इस तरह से एक कॉलेज नहीं, आपको जिस जी जहाँ पर आपका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के हिसाब से आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप क्या करोगे, आप देख सकते हैं कौन कौन सा वेबसाइट में जाकर एप्लीकेशन फॉर्म कब कब आएगा, सबको बताने चलूँ तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, ओके ना। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं कि सिलेबस, हर लो इंट्रेंस एग्जाम का अपना पैटर्न होता है, सिलेबस होता है कि क्या क्या पढ़ना है ठीक ना। तो इसी तरह से सिलेबस फॉर पॉपुलर लो इंट्रेंस एग्जाम इंडिया, तो सिलेबस जैसे कि क्लैट का सिलेबस बताया गया आपको, एलैट का बताया गया, जैसे उसके बाद LS8 स्लैट का ठीक ना। तो इस तरह से बहुत सारे जैसे DU का ठीक ना, DU हो गया, जैसे BHU हो गया, KLEE लोक 2022 सिलेबस, इस तरह से सिलेबस। जैसे कि हमने एक छोटा सा सिलेबस देखते हैं कि मान लीजिए हम क्लैट का सिलेबस देखते हैं कि आपको क्लैट इंट्रेंस एग्जाम में क्या पढ़ना है ऐसा, तो क्लैट का सिलेबस जैसे सिलेबस में क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा सिलेबस जो यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा जो है ऐसा। तो ये सिलेबस जिसका यहाँ पे दिया गया है, तो देखिए यहाँ से डाउनलोड, देखिए यहाँ पे डाउनलोड करने बोला क्लैट सिलेबस जो यहाँ पे, यहाँ पे दिखा नहीं रहा, लेकिन आप डाउनलोड कर सकते हैं सिलेबस यहाँ पे, ओके ना। इस तरह से बहुत सारा चीज है, तो यहाँ पे सिलेबस जो है डाउनलोड कर सकते हैं इसका। उसके बाद बुक्स बेस्ट कौन कौन सा बुक है ये भी बता दिया अच्छे से ठीक ना, कौन कौन सा आपको बुक लेना है, जैसे इसके लिए ऐसे इंग्लिश के लिए कौन सा बुक लेना है, ओके ना। जनरल नॉलेज के लिए ये है सिलेबस इसका ठीक ना। उसके लिए लीगल एप्टीट्यूड के लिए, लीगल रीजनिंग के लिए कौन कौन सा है आपको बुक लेना है भी बता दिया है बहुत अच्छे से। इसका सैम्पल पेपर जो है ये भी आपको अच्छे से बता दिया है ठीक ना, डाउनलोड कर सकते हैं सब कुछ। तो ये वेबसाइट बहुत ही बेस्ट है, मैं इसको रेफर कर रहा हूँ कि आप जरूर चेक कीजिएगा एक बार, ओके ना। इस तरह से आप लोग इसका सिलेबस भी देख सकते हैं। आप देखिए सिलेबस तो देखोगे कि एग्जाम पैटर्न क्या है, कि किस तरह का इसका एग्जाम पैटर्न होता है, कितना नंबर का क्वेश्चन आया, कितना माइनस मार्किंग होगा, नेगेटिव मार्किंग, जिससे कि हम लोग टॉप जो है एग्जाम पैटर्न और पॉपुलर लो इंट्रेंस एग्जाम इन इंडिया, तो इसका जो पैटर्न जो है इसका कैसा है एग्जाम, तो हम लोग सिंपल सी एक क्लैट का ही खोलते हैं ठीक ना। तो फर्स्ट नंबर क्लैट है, तो क्लैट का हम लोग ढूंढते हैं इसका पैटर्न क्या है एग्जाम का। तो आप लोग जान सकते हैं कि मोड पैटर्न जिसके एग्जाम का है, मोड होता है ऑफलाइन, ऑफलाइन होता है 2 घंटे का एग्जाम होता है, ड्यूरेशन लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज का होता है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो होता है सब मल्टीपल चॉइस होता है, एमसीक्यू आपसे पूछा जाएगा, ओके ना, सब्जेक्टिव नहीं होता। फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है 150 होता है ठीक ना। उसके बाद पीजी के लिए 120 होता है, यूजी पीजी दोनों के लिए सब मार्किंग स्कोर जो होता है, एक आंसर करने पर एक लगता है, एक एक आंसर करोगे सही तो आपको एक नंबर मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग जो अगर एक गलत करते हो तो उसका 0.5 कटेगा। उसके बाद अगर आप कुछ भी नहीं बनाते छोड़ देते हो खाली 0 नंबर मिलेगा, टोटल मार्क्स जो होता है 150 मार्क्स का होता है यूजी के लिए, और पीजी के लिए 120 होता है। तो इस तरह से आप क्या करोगे, हर चीज हर जो है आपको आपके इंटरेस्ट जो भी आपके अगर आपको जिसका ये फॉर्म भरना है उस हिसाब से आप सबका एग्जाम पैटर्न के बारे में अच्छे से जान सकते हो। आप देखिए प्रिपरेशन कैसे करना है, देखिए आपको हर एग्जाम हर इंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन अलग अलग करना है, आपको अलग तरीके से करना पड़ता है। देखिए प्रिपरेशन कैसे करना है, हाउ टू प्रिपेयर क्लैट 2022 ठीक ना, एलर्ट की, तो ये आपको एक आइडिया भी दे रहा है, ब्रीफ आइडिया है किस तरह से आपको प्रिपरेशन करना है। तो उसके लिए आपको इसी लिंक में क्लिक कर सकते हैं, आप पूरा नॉलेज आप लोग गेन कर सकते हैं किस तरह का कोचिंग ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पेपर पढ़ना है, बुक्स कौन कौन सा लेना है ये आपको बता रहा है ठीक है, मॉक टेस्ट आपको देखना है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन सा क्लैट में, तो वो सारी चीजें आपको कौन बताता है, यही इस वेबसाइट में बताता है कि हाँ आपको जो है प्रिपरेशन करने के लिए जो है कौन कौन सा आपको प्लानिंग करना है अच्छे से, कैसे आपको प्रिपरेशन करना है, तो ये चीज आपको ये बताता है, ओके ना।
उस तरह से हम आगे बढ़ेंगे तो नेशनल लेवल, जो टॉप नेशनल लेवल में जो इंट्रेंस एग्जाम होता है, जैसे कि मैंने बताया कि टॉप इंट्रेंस एग्जाम नेशनल लेवल में जो इन टॉप होता है वो क्या है, क्लैट है। क्लैट जो जो कंडक्ट कौन कराता है, उसका जो बॉडी कंडक्ट कराने वाला कि उनको, तो वो क्या है, एनएलयूज है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी क्या कंडक्ट कराता है। अगर क्लैट एग्जाम क्लियर करते हो बच्चे आप, तो आपको एनएलयूज में आपको एडमिशन आपका होगा। और ये सब बच्चे का, हर एक लॉ स्टूडेंट का वो सपना होता है कि लॉ कॉलेज में एडमिशन ले, एनएलयू में एडमिशन ले, ठीक ना। इस तरह से अलैट जो होता है ऑल इंडिया लो इंट्रेंस टेस्ट, नेशनल लो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तो अगर ये एग्जाम क्लियर करते हो तो आपको दिल्ली में जो है क्या है, उस कॉलेज में पढ़ने का मौका मिलेगा, ठीक है ना। उसी तरह से LSAT लो लो स्कूल ऑफ एडमिशन टेस्ट, इसका पर्सनल VUE है, ठीक, पर्सनल VUE है, ओके। इसका DUET, उसका यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तो इस कॉलेज में पढ़ने का मौका मिलेगा। अगर इसी तरह से आप जानना चाहते हैं कि स्टेट कि आपका जो स्टेट है उसमें एंट्रेंस एग्जाम कौन सा, तो आप इसमें रेफर कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि एग्जाम कौन सा है, AP लो सीट, ठीक ना। जैसे कनेक्टिंग बोर्डिंग क्या है, APSCH है, ठीक ना। उसी तरह से आप जो टॉप यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, उसी तरह से अगर आप जानना चाहते हैं कि टॉप यूनिवर्सिटी कौन सा है, ठीक ना, इंस्टीट्यूट लेवल ऑफ एंट्रेंस एग्जाम, तो इस तरह से आप आगे बहुत अच्छे से देख सकते हैं, ठीक ना। तो इस तरह से अगर ज़्यादा पूरा फुल डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, यदि आपको जानना है तो खुद आप चेक कर सकते हैं, सिर्फ एक मैं ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ आपको, ओके ना। जैसे कि आपको एडमिशन थ्रू किस तरह से एडमिशन लेना है, तो प्राइवेट कॉलेज जो है यहाँ रेफर कर रहा है आपको, ठीक ना, इस तरह से। तो इस तरह से गाइस आप जो है क्लैट एग्जाम, क्लैट सिर्फ नहीं, कोई भी लो कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको जो एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, तो मैं आपको बताया कि टॉप लो एंट्रेंस एग्जाम कॉलेज का एग्जाम पैटर्न किस तरह से होता है, किसे चेक करना है, तो ये वेबसाइट जो होता है बहुत ही बेस्ट है। आप, मैं इसको रेफर कर रहा हूँ, और आप लोग मेरे वीडियो को डिस्क्रिप्शन के नीचे इसका लिंक पाओगे और आप अच्छे से चेक कर पाओगे। सो आई होप गाइस आज आपको क्लियर हो गया होगा कि टॉप लो एंट्रेंस एग्जाम जो है इंडिया में कौन कौन से हैं जो आपको मदद करेंगे। चलिए गाइस ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा हर एक बच्चे के लिए जो अपना करियर बनाना चाहते हैं लो फील्ड में, ठीक ना। तो मैं आपको गाइड करूंगा प्रॉपर बहुत अच्छे तरीके से, ओके ना। तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। किसी भी तरह का कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स दिया गया नीचे कमेंट कर सकते हैं, ऐसा आप हमसे पर्सनली पूछ सकते हैं क्वेश्चन। आप इंस्टाग्राम का लिंक है वहाँ पर फॉलो कर लीजिएगा, ओके ना। चलिए वीडियो पसंद आया था वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहे हमारे चैनल विजडम ओब्लो के साथ, और किसी तरह का कोई डाउट्स होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।